हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं एक्सप्लोर एक गोल्ड शॉप को, यानी सोने की दुकान को। और ये है मालाबार के नाम से गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी की बहुत बड़ी शॉप है। बहुत ज़्यादा सारी इनकी ब्रांचेस है पूरे सऊदी अरेबिया में, इवन पूरे गल्फ में, और अब तो बहुत जल्द यूरोप में भी स्टार्ट करने वाले हैं ये लोग। तो बहुत ही अच्छा इनके पास हमारी, मतलब जो इंडियन पाकिस्तानी जिस तरह के जेवरात पहनना, सोना और सेट्स वगैरह पहनना पसंद करते हैं हम लोग, हमारी जो है वो पसंद के इनके पास मिल जाते हैं। जिस तरह के हम चूड़ियाँ होते हैं ना, मुख्तलिफ डिज़ाइन सऊदी अरेबिया में सोना तो बहुत खालिस मिलता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो डिज़ाइन जिस तरह के हम पहनते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान के जो लोग हैं, औरतें हैं, ख़वातीन, तो उस तरह के जो डिज़ाइन हैं वो हमें उस तरह से नहीं मिल रहे होते। तो अगर आप मालाबार पे आते हैं तो यकीनन आपको इनकी ज्वेलरी जो है वो पसंद आएगी, क्योंकि इसी तरह की जो है ज्वेलरी जो है वो पसंद की जाती है हमारे इंडिया और पाकिस्तान में। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया में होता ही है कि ये लोग जो है वो बड़े भारी भारी किस्म के सेट्स ये लोग जो है इनकी ख़वातीन पहनना पसंद करती हैं, लेकिन हम जो है वो थोड़ी लाइट ज्वेलरी जो है वो आम रूटीन में, या फिर चूड़ियाँ वगैरह या कंगन जिस तरह के हम लोग पहनते हैं, वैसे डिज़ाइन जो है वो हमें अपनी ही तर्ज की जो है वो शॉप्स पे मिल सकते हैं, यानी इंडियन पाकिस्तानी शॉप्स पे। तो ये जो है वो एक अच्छी चॉइस इनके पास है, मालाबार वालों के पास। तो जो रेट्स वगैरह हैं वो मैंने जो आजकल चल रहे हैं वो ऊपर मैंने मेंशन कर दिए हैं। बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह ताला मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, मेरा इरादा है। और ये जो चेन्स आप देख रहे हैं बहुत प्यारी थी ये, और ये 1200 रियाल तक थी आई थिंक। और बाकी इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट, अब मेरा इरादा है कि मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ों की जो है वो इनके साथ साथ बताती जाऊँगी। उसमें मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और ऐसा कोई वीडियो बनाने का उस वक्त मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। तो ज्वेलरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे लाइट थोड़ी सी डिम है, आपको उस तरह से ये नज़र नहीं आ रहा होगा, शायद मेरे मोबाइल का कैमरा भी इसी तरह का हो रहा है, क्योंकि वो उस तरह से उसका रिज़ल्ट को शो नहीं कर रहा, और वहाँ पे लाइट बहुत कम मुझे लग रही थी। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एयरकफ भी बहुत अच्छे, और टॉप्स और बालियाँ हर तरह का इनके पास आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे। एक न्यू जो फैशन चला हुआ है एयरकफ्स का, काफ़ी सारा वो पूरा एक सेट होता है बालियों का, उस तरह की भी मैंने वहाँ पे देखे हैं। तो अच्छी ज्वेलरी थी, कंगन और ये ब्रेसलेट और छोटी चूड़ियाँ, और जो वन पीस होता है और जो पेयर्स में होते हैं, हर तरह की ज्वेलरी, और ये जो सोने की चेन्स थी डिफरेंट टाइप की और डिफरेंट कीमतों में, और कई कीमतें जो थी काफ़ी मतलब के बजट फ्रेंडली थी, आप ले सकते हैं थोड़ी सी भी बचत करके। तो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, और वहाँ पे डायमंड भी जो था ना, इतने छोटे छोटे सेट वो उन्होंने बनाए हुए थे, और सबसे जो उनका कम कीमत का डायमंड का सेट था वो 5000 रियाल तक का था। तो खैर, मैं क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने कवर तो करना है, मैं बता रही हूँ। तो वहाँ पे उनकी जो डायमंड पे उनकी ऑफ़र चल रही थी, 5000 रियाल में आपको टॉप्स मिल रहे थे, साथ में छोटा सा नेकलेस और रिंग उसमें शामिल थी, यानी ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ इतनी रेंज में, 5000 रियाल की रेंज में, वहाँ पे डायमंड का भी छोटा सा मिनी सा सेट आपको मिल जाएगा। ये तो आपके अपने बजट पे डिपेंड करता है, या आपकी पसंद पे कि आप किस तरह की ज्वेलरी लेना चाह रहे हैं, लाइट लेना चाह रहे हैं, हैवी लेना चाह रहे हैं। बहरहाल वहाँ पे हमारे इंडियन पाकिस्तानी जो पसंद के लिहाज से अच्छे जेवरात आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।